हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली और सिरोही जिले में लोग क्षतिग्रस्त सड़कों का सामना कर रहे हैं। पाली और सिरोही जिले में फोर लेन हाईवे से गुजरते समय हर वाहन चालकों को जार्डन से लेकर सिरोही पिड़वारा तक चार टोल प्लाजा पर टोल देने के बावजूद भी किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस फोर लेन हाईवे पर जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी टोल वसूली की जा रही है। सांडेराव के विरामी टोल प्लाजा पर फास्ट ट्रैक की सुविधा के बावजूद हर रोज सुबह तथा शाम को लंबे समय तक वाहनों की लंबी कतारें लगे रहने और इमरजेंसी लाइनों में भी बड़े बड़े वाहनों की आड़ी तिरछी लंबी कतारें रहने की वजह से सरकारी वाहनों के साथ ही एम्बुलेंस सेवा को भी उधर से निकलने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हाईवे पर जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर लंबा सफर तय कर रहे हैं। ओवर ब्रिजों पर अक्सर रोड लाइटें बंद रहने से वाहन चालकों सहित राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोविंद सिंह सोनीगढ़ा किंगपुरा ने कहा कि विरामी टोल अधिकारियों और कर्मचारियों की तानाशाही सिर्फ टोल वसूलने में मस्त है। इस हाईवे से जुड़े सभी गांवों के सर्विस रोड खराब हैं, लेकिन रिपेयरिंग नहीं की जा रही है। हाईवे से जुड़े गांव में बस स्टैंड की सुविधा है, जबकि रात्रि में सवारी उतरती है तो रोड लाइटें बंद रहने की वजह से काफी समस्या होती है। यह सभी सुविधाएं टोल की है, लेकिन यह कार्य नहीं करते, सिर्फ पैसा वसूलने का काम किया जा रहा है। वहीं जयदेव सिंह रणावत अध्यक्ष मारवाड़ा गोडवार जन कल्याण सेवा समिति के मुताबिक फोरलेन शुरू होने के बाद बिरामी टोल प्लाजा पर 20 किलोमीटर दूरी के गांवों को टोल मुक्त करवाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया और टोल मुक्त करवाया गया था। अब यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों की तानाशाही के चलते सुमेरपुर तहसील से जुड़े वाहन चालकों और जनप्रतिनिधियों सहित हर वाहन चालक परेशान है। फास्ट ट्रैक के बावजूद टोल प्लाजा पर रोजाना लंबी लंबी वाहनों की कतारों से एम्बुलेंस सहित कुछ जरूरी काम से जा रहे वाहन परेशान हो जाते हैं। मेधाराम परमार ढोला सरपंच एवं संघ अध्यक्ष सुमेरपुर विरामी टोल प्लाजा के अधिकारियों और कर्मचारियों की तानाशाही और लापरवाही के चलते काफ़ी परेशान है। यहाँ के हर जनप्रतिनिधियों सहित वाहन चालक और आमजन काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। फोर लेन हाईवे की सड़कों सहित अंडर ब्रिज से जुड़े गांवों की संपर्क सड़कें क्षतिग्रस्त, ब्रिज और रात्रि में रोड लाइटें बंद, सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं, फिर भी यहाँ पर टोल वसूला जा रहा है। और सभी लोगों की यही शिकायत है कि टोल लेने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी सुविधा नागरिकों को नहीं दी जा रही है। सांडेराव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।